खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं, तो खुश हंसते इसलिए हैं कि भाई इन्हों से मुक्ति लेकर के अब एक साथ मिलकर के सब लोग मिलकर के देश को आगे बढ़ा रहे हैं और देश को बर्बाद करने की कोशिश जो कर रहे हैं और अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं सदैव के लिए, उन लोगों से मुक्ति मिल जाएगी। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, यूं तो नीतीश कुमार बोलते बहुत कम है, लेकिन जब बोलते हैं तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देते हैं। नेशनल काउंसिल की मीटिंग में नीतीश कुमार बोल रहे थे और इस दौरान उन्होंने सीधे केंद्र सरकार को निशाने पर ले लिया, डायरेक्ट हमला कर दिया। क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले तो आप वो सुन लीजिए। आजकल कोई काम करते हैं तो करता है, कोशिश करता है कि यहाँ का चम्मा को पीछे कर दो, अच्छा दो कि केंद्र ही कर रहा है। इनकी तरफ से प्रचार होता है कि अपने ही तरफ से प्रचार होता है जी कि हम ही कर रहे हैं, इसको जान लीजिए। तो हम लोगों को तो अब एकजुट होकर के और आपको लगता है कि अब हम खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं, तो खुश हंसते इसलिए हैं कि भाई इन्हों से मुक्ति लेकर के अब एक साथ मिलकर के सब लोग मिलकर के देश को आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए और आप लोग भी तो देख रहे हैं कि आप भी खुश नजर आ रहे हैं, आप भी हंसते नजर आ रहे हैं, तो हमको भी तो खुशी होगी ही और जरूर आगे बढ़ेगा और देश आगे बढ़ेगा और देश को बर्बाद करने की कोशिश जो कर रहे हैं और अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं सदैव के लिए, उन लोगों से मुक्ति मिल जाएगी और सचमुच आगे बढ़ेगा। तो ये होना है, तो हम लोग भाई सब मिलके करेंगे ना ये काम, हाथ उठा के बताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अंत में एक ही बात कहेंगे कि सदस्यता अभियान को बहुत तेजी से कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को करिए ताकि सब समय उसका सब कुछ चुनाव नाव भी हो जाए। यही इतना ही कहते हुए मैं आप सब लोग यहाँ पर पधारे, आप सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ और मिल करके हम लोग आगे काम करते। तो सुना आपने, नीतीश कुमार काफी बड़ी बड़ी बात बोल रहे थे और इसके साथ ही ये भी बता रहे थे कि उनकी मुस्कुराहट का, उनकी हंसी का राज क्या है। कह रहे थे कि हम हंसते इसलिए हैं क्योंकि हमने इन लोगों से मुक्ति पा ली है और सबको एकजुट करने की जो मुहिम छेड़ी है उससे इन्हें उससे उसी मुहिम के तहत लोगों को अब मुक्ति दिलाएंगे, उस सोच से जो सोच बर्बाद करने वाली है, जो सोच देश पर कब्जा जमाने वाली है। केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे थे नीतीश कुमार और बता रहे थे कि किस प्रकार जो है देश में एक अलग किस्म की राजनीति चल पड़ी है और इसी को लेकर नीतीश कुमार हमला बोल रहे थे और कह रहे थे कि आप लोग भी मुस्कुरा रहे हैं तो हम भी मुस्कुरा रहे हैं। वो लोगों से अपील, लोगों से ये बात कह रहे थे, एक संदेश दे रहे थे बिहार के लोगों को, पूरे देश के लोगों को। और आपको पता है बिहार में एक अलग किस्म की सियासत चल पड़ी है, मिशन 2024 का आगाज हो चुका है और इसी को लेकर तरह तरह के बयानबाजी भी सामने आ रही है। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार ने काफी बड़ी बड़ी बातें बोली है, केंद्र सरकार पर हमला किया है और अपने मुस्कुराहट का न सिर्फ राज बताया है बल्कि ये तक कह दिया है कि वो लोग जो देश पर कब्जा जमाना चाहते हैं, जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं, उन लोगों से मुक्ति जरूर मिलेगी। अब आगे क्या कुछ होता है, नीतीश कुमार के इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है वो भी देखेंगे। आपको बताइए कि बिहार में अभी बयानों के तीर इस कदर चल रहे हैं कि पूछिए मत, दोनों ओर से बयानों का हमला जारी है। एक तरफ से जेडीयू की तरफ से मोर्चा संभाला गया है तो दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाला गया है। सुशील मोदी भी तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं तो वहीं महागठबंधन की सरकार की तरफ से भी तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार के इस बयान को काफी बड़ा माना जा रहा है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।